हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है कुकृति व्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज है यहाँ पे हमारा सेकंड डे। तो अभी फिलहाल है हम टिहरी की तरफ है, यानी कि जहाँ पर है चंबा गांव, उसकी तरफ ही अभी हमने स्टे किया था यहाँ पे होटल लेके। तो ये है सामने हमारा होटल ग्रैंड सिरमौर। तो ये जो होटल है ना, ये चंबा गाँव में ही है टिहरी की तरफ। तो आज हम घूमने जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं। सुरगंडा देवी मंदिर में जाते हैं, साथ में फिर जाएंगे हम देहरादून या फिर मसूरी साइड में घूमने जाएंगे, धनौल्टी में, जहाँ भी मिलता है रास्ता भी देखेंगे जो प्लान। सानवी कौन है? सानवी वो कौन है बेटा? आशीष मामा है। ये देखो भाई, आशीष मामा किसको बोल रहे हैं? वो जो वहाँ जा रहा है उसको आशीष मामा बोल रहे हैं। कौन है वो सानवी? कौन है वो? वाह बेटा। और अंकुश मामा कहाँ है? अंकुश मामा भी वही है। अच्छा बता भाई, सबसे लेट यही आ रहे हैं, देख लो। निकल चुके हैं मम्मी की वजह से, थोड़ा सा लेट हो गई। मम्मी नहीं निकल रहे अपने दूसरे, ये झूठ है, ये दोनों लेट आया, लेट आए हैं। तो दोस्तों आज जा रहे हैं, मतलब कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं घूमने के लिए धनौल्टी, सुरगंडा देवी। सबसे पहले हम सुरगंडा देवी के मंदिर जा रहे हैं, बस यही है। तो यहाँ पे दोस्तों हम जा रहे थे यहाँ पे सुरगंडा देवी मंदिर में, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखो चाय पीते हुए, सुबह से चाय नाश्ता कुछ नहीं है, तो चाय वगैरह पी रहे हैं। और धूप बहुत यहाँ पे अच्छी आ रही है, देख सकते हैं है? ग्लास में। अरे वाह, यहाँ पे चाय मैं नहीं पी रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों धूप बहुत अच्छी आ रही है, और मैं देखा है मतलब गांव में ना धूप अच्छी आती है। जब हम गए थे गांव में पहले भी, तो वहाँ पे भी धूप काफी अच्छी आ रही थी, यहाँ पे भी धूप काफी अच्छी आ रही है। ये देखिए एक मोमोज का कितनी लड़ाई हो रही है, ये मेरा है, ये गिर जाएंगे यार, गिर जाएंगे, खा लो चुपचाप उन्हें। हे भगवान, सुधीर उठाओ यार, आपका धोखे खा लो। दोस्तों अभी हम जा रहे थे सुरगंडा देवी टेम्पल में, लेकिन यहाँ पे बीच में हमें कुछ एक्टिविटीज दिखी, तो ये एक्टिविटीज करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो आशीष भाई ने और अंकुश ने तो कर लिया, मैं नहीं जा रहा यार। अच्छा इधर आ गया, इधर धक रहा हो, दिल इधर से धर आ गया, इधर आ गया। अच्छी बात है कि दिल है, निकला तो नहीं ना? निकला तो नहीं, बस ठीक। आप जाओगे तो आपका निकल जाएगा, निकल जाएगा, तभी तो नहीं जा रहा मैं। चले जाओ। अब अंकुश ने एग्जांपल भी ऐसा दिया दिल वाला। अरे वो तो, अरे लीवर लीवर तो नहीं रहे, निकल जाएगा, बस दिल ही आता है इधर से उधर। अच्छा तो ये मैं कह रहा हूं चले जाओ, एक बार एक्सपीरियंस ले लो, बहुत जबरदस्त। जाओ फिर, पहले उनको आंदा तब फिर सुधीर को, हां अकेले आके छोड़ जाऊंगा फिर। अकेले कैसे जाएंगे? हां अकेले छोड़ जाऊंगा, सही रहेगा। जाओ फिर उनके साथ, मैं कह रहा हूं कसम से, तो एक बार पहले लगेगा धक्का, तो मैं बस उसका मजा आएगा, तो खुद मजा आएगा। आओ जी जी, स्टेज कम ऑन प्लीज, जी जी देख लो भाई कहाँ तक जा रहे हैं, देख लो। ओके रेडी, पैर सीधे दीप्ति, पैर सीधे। ओके 3 2 1 ओके दीप्ति कम देगा। हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दो, ये क्या हो गया पागल, हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है जैसे कि सिद्धपीठ माँ सुरगंडा देवी मंदिर। ऐसे हम भी और समझे। तो यहाँ से कर रहे हैं दोस्तों हम एंट्री। अभी यहाँ पे सुनने में आया कि 2-3 दिन पहले यहाँ पे बर्फ भी पड़ी थी, और यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर है ना असि भाई धनौल्टी, सिर्फ 5-7 किलोमीटर है। तो धनौल्टी यहाँ से बहुत पास है, और हो सकता है कि इसके बाद हम धनौल्टी जाएं। चलो फिलहाल अच्छा जाएंगे, सही बात है, चलो भाई चलते हैं ऊपर देखते। तो पहुंच चुके दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे 4 साल से जो बच्चे नीचे हैं उनका टिकट नहीं है, और एक जो टिकट है ट्रॉली का आने जाने का वो है 200 रुपये। तो टिकट ले लिया है फिलहाल यहाँ पे, और चलते हैं सीधे ऊपर। और गोदी में है मेरे यहाँ पे सैलू, बाकी यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे अंकुश लेके आ रहा है, अंकुश लेके आ रहा है यहाँ से नीचे चढ़े चढ़ते हुए, और यहाँ पे सैली को लेके लेते आ रहा हूँ मैं। चलो चले,
तो यहाँ से मिलती है दोस्तों ट्रॉली, देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि सामने से वो ट्रॉली आ रही है। हाँ, तभी तो यहाँ पर बर्फ पड़ती है क्योंकि टॉप पे है ना इसलिए। सही बात है, यहाँ पे साथ में एक बार करी थी मसूरी में बस। अच्छा, मेरा हरिद्वार में फर्स्ट टाइम। हमारा मेरा थर्ड टाइम है, मैंने मसूरी में गया था, मैंने उससे पहले गया था। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, आवाज नहीं आई, जय माता दी, मैं नहीं सुनिया, जय माता दी, नहीं बोलो, जय माता दी, जय हो सुरकंडा मैया की, जय जो आगे वाले, अब पीछे वाले कोई है नहीं। यहाँ पर वैदिक भी बोल रहा है, जय जय माता दी, लंबा वो पागल ड्रामा लगे पीछे नहीं, पीछे के बम गेट तो नहीं कर रखा है। ओए क्या व्यू आ रहा है, अरे उधर आ रहा है, उधर आ रहा है साहब, मैं गले बैठ गया, लेकिन कहीं बाहर जाएंगे वगैरह, देखो यहां से देखो ऊंचाई में डर लग रहा है। तो दोस्तों ये रास्ता जो देख रहे हो सामने से आप, ये वाला जो रास्ता है ना, यहाँ से जो ऊपर वाला रास्ता है, ये चढ़ाई वाला रास्ता है और काफी मतलब ये खड़ी चढ़ाई है। हमारा सिर्फ ना जाने का रीजन एक ये है कि ये देखो ना, ये बच्चे का मतलब जो है टाइम लगता और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है देखो यहाँ से, जो ये ऊपर है ना बिल्कुल इसलिए हम ट्रॉली में चले गए। और कितनी धीरे चल रही है देखो, अभी रुकी थोड़ी काफी, रुकी नहीं है, धीरे चल रही है, बहुत धीरे चल रही है ना, ट्रॉली को भी डर लग रहा है ना साथ में, है ना। सच में यार देखो कितनी ज्यादा ऊंचाई पे आ चुके हैं, मतलब यहाँ से पता चल रहा है देखने में। पीछे से मम्मी कह रही है मैं पलट के नहीं देखूंगी, वीडियो में देखूंगी, ब्लॉग में बाद में वीडियो देख लो सासू। चलो ठीक है, देखा मैंने। अच्छा अच्छा चलो भाई, तो चलो भाई फाइनली उतर चुके हैं यहाँ पे और हम यहाँ से चलते हैं सीधे ऊपर की तरफ और दिखाते हैं आपको भी। आवाज नहीं बोल रहा, आवाज नहीं आगे पीछे बोल रहे। नहीं देखो भाई यहाँ पे है जूता घर, जूता घर दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं दोस्तों। तब से मामा के चेप हो गया, सही बात है, सही है चढ़ाई सब कुछ। यहाँ पर देखो ना क्लाउड कितना अच्छा लग रहा है यार सच में, बिल्कुल क्लाउड बोलते हैं इसे, है क्या हम तो बादल कहते हैं। अच्छा मैं भी बादल बोलता हूँ वीडियो में, क्लाउड बोल रहा हूँ। और मुझे लग रहा है ना कि वहां से उस साइड से जो है हिमालय भी दिख रहा है, तो चलो एक बार जाके हिमालय जाके भी देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे इतने टॉप पे हम, हिमालय भी दिख रहा है यहाँ से, देखिए वो भी कितना क्लीन दिख रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अंजलि को कोई मिल गए हमारे व्यूअर्स, चलो फिर जाके देखते हैं कौन है। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बहुत धन्यवाद। अच्छा नहीं पता आंटी जी, हाँ तो वो सभी पहुंच चुके हैं मंदिर यहाँ पे, व्यूअर्स घर भी तुम्हारा बहुत अच्छा बना, धन्यवाद धन्यवाद। ये व्लॉग हमेशा हाथ में रहता है हमारे, ये देखो भाई लाइन पे लग चुके हैं यहाँ पे और एकदम से ये लाइन है मतलब खुलती है, अभी तक बंद था लेकिन लाइन खुल चुकी है, तो चलो बढ़िया। तो ये देखो भाई यहाँ पे जो है सानवी सबके यहाँ पे साथ में जो है अकेले नाच रही है यहाँ पे, तो जय कर दो, वेरी गुड, जय, वेरी गुड वेरी गुड, जय जय जय। तो यहाँ पे सुरकंडा देवी टेम्पल में एक ये जो है शिवलिंग भी है यहाँ पे साथ में प्रतिमा भी है, बहुत अच्छा है यहाँ पे, जय। अब हम नीचे जा रहे हैं, हाँ। तो नीचे जाके अब हम जो है चार उधर है, चार उधर है, बच्चे सारे यहाँ पे ना, कितनी कितनी तेज जा रहा है अभी वहाँ से एकदम से नीचे नीचे है ना, नीचे आते टाइम है, कहाँ गए पापा, पापा कहाँ है, यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है हाथों से बना हुआ जो है लून और यहाँ पर पहाड़ी आम का अचार जो कि सारे हाथ से बने हुए यहाँ पे, और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे देखो ये लोग ना यहाँ बैठ के लोग यहाँ पे सारा काम कर रहे हैं, और वो देखो वहाँ पे अड़से भी हैं, वो वहाँ पे जो
दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे अड़से टेस्ट करने के लिए करवाया है। वो अड़से बहुत टेस्टी हो रहे हैं, जिसको भी दिया है मैंने। तिल भी डले हैं इसमें। सही में काफी टेस्टी है। तो इसे पता चलता है कैसा टेस्टी हो। सही में बस चार ले लेते हैं। तो फिलहाल दोस्तों अभी हमने लंच कर लिया है और हमने लंच किया है यहाँ पे धनौल्टी में। तो धनौल्टी का नाम बहुत सुना था क्योंकि यहाँ पे बर्फ वगैरह भी पड़ती है। एक्चुअली क्या दोस्तों, हम व्लॉग ना कंटिन्यू बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि बच्चे भी काफ़ी परेशान करते हैं। मतलब ट्रैवलिंग जब भी करो, इधर उधर जाते रहो तो बच्चे बहुत परेशान करते हैं, तो वो एक फ्लो नहीं बन पाता व्लॉगिंग का। ये देखो अभी भी देखो वैदिक मेरे पीछे पीछे आ रहा है, कह रहा है मुझे पकड़ो मुझे पकड़ो। तो वह ऐसी है। फिलहाल अभी हम धनौल्टी में हैं और हो सकता है कि यहाँ से हम जाएँ देहरादून की तरफ या मसूरी की तरफ, क्योंकि रास्ते हमारा वही है। और आज हो सकता है कि हम देहरादून स्टे करें, देखते हैं बाकी क्या होता है। अभी 3-4 बज रहे हैं यहाँ के और मौसम यहाँ पे ठीक है। इस टाइम पे अच्छा मौसम हो रहा है, धूप भी निकल रही है। तो एक ख्वाहिश थी थोड़ी मतलब कुछ टाइम पहले कि धनौल्टी जाएंगे, फिलहाल धनौल्टी भी आ चुके हैं। फिलहाल दोस्तों अभी हम जा रहे हैं इको पार्क धनौल्टी में। तो यहाँ से है इसकी एंट्री और देखते हैं अंदर जाके क्या नज़ारा मिलता है हमको देखने को। अच्छा ले ली। यह है दोस्तों यहाँ पे टिकट घर और टिकट है यहाँ पे 50 रुपये पर पर्सन की। बाकी देखते हैं भाई कैसा है, लग तो अच्छा रहा यहाँ पे। चल बेटा चलो आ जाओ यहाँ पे। आ रहा है बेटा यहाँ पे, यहाँ हमको जानवर मिलेंगे, जानवर मिलेंगे, जल्दी आओ। झूले मिलेंगे, झूले जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ जानवर भी मिलेगा, झूले भी मिलेंगे। आप जो झूलोगे सब। शैलू तो यहाँ आई लव धनौल्टी है, जहाँ हमने फोटोज वगैरह क्लिक करा ली है। बस अभी यहाँ जा रहे हैं। सली आराम से गिरेगी, गिर जाएगा। यहाँ पे मजा आ रहा है सली। वहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे झूले लगे हैं बच्चों के लिए, बच्चों के लिए लगे हैं, लेकिन यहाँ पे बड़े भी झूल रहे हैं। नट बंद है लेकिन मैं खोलने जा रहा हूँ, देखते हैं कौन ज्यादा ऊपर जाता है। सावन का महीना, इसलिए आओ तुम धनौल्टी में झूल के लिए। सैली और वहाँ देखो सासू जी आराम फरमाते हुए। अरे हमारा काम ब्लॉग बनाने का ही है, बस हम कुछ नहीं करते, बच्चे संभालने का और ब्लॉग बनाने का। सासू जी क्या हो, हम पे मजा नहीं आएगा? ढंग से दो यार, अगर सुधी जी ऐसा दो कि सासू जी पूरा वो जब छू के आए पूरा वो। और तेज सुधी जी, और तेज। अरे ये झूले बच्चों को ही है, बच्चे के ही है, वो बच्चों को थोड़ी पकड़ेंगे। हाँ यहाँ पे सब जो है झूले झूलने में मत मस्त हो रखे हैं। ये देखो भाई वैदिक को, ये देखो आओ वैदिक, ये तेरी की वेरी गुड। हाँ तो अभी हम जाने वाले हैं वो वहाँ पे, देखो वो शेर दिख रहा है वो, तो शेर के पास जाने वाले हैं अभी हम मिलने के लिए। हाँ बेटा आओ। और कल क्या है, कल वैदिक का बर्थडे है ना? हाँ आओ जल्दी आओ। तो हम धनौल्टी पूरा घूम गए और सैली को इतना मजा आ रहा है ना, ऐसे भाग रही है क्या ही बताऊँ मैं। तो कैसे भाग रहा है, ऐसे वीडियोज वगैरह भी बना ली यहाँ। और सैली को सही में बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे ना भागने में, इधर उधर। चलो घर चलेंगे। ये देखो भाई कितनी बर्फ पड़ी है यहाँ पे, ये देखो यार ये पूरा रास्ता कितना गीला हो रहा है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे सुनने में आया कि 2 तारीख को यहाँ बर्फ पड़ी थी। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया, बस थोड़ा सा जल्दी हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि 2 तारीख को पड़ी थी। थोड़ा जल्दी इसलिए हो गया, 2 दिन में फिर पड़ने वाली। कल बारिश बोली है, परसों तक बर्फ पड़ेगी। वही तो बताओ दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं आज मसूरी से देहरादून और देख रहा हूँ कि यहाँ पे ना देहरादून नीचे हो। अच्छा देहरादून ही है। हाँ, नीचे देहरादून। तो हर जगह ना मतलब लाइटिंग बहुत अच्छी लाइटिंग कर रखी है, मतलब हर जगह इतनी प्यारा लग रहा है, मतलब हर जगह। तो मतलब आनंद भी आ रहा है देख के, जैसे थोड़ा सा आगे जा रहे हैं और होटल को मतलब इतना अच्छा डेकोर कर रखा है। जैसे देखो उधर भी लाइटिंग है, देखो जैसे हम यहाँ पर आए, किसी भी शहर को देखने का मजा नाइट में है। हाँ ये तो है, सही कह रहा हूँ। पहाड़ों में लाइटिंग का इतना ज्यादा इफेक्ट होता है ना, ऐसा लगा जैसे दिवाली बना रही हो। मतलब यहाँ पे ना हर जगह बहुत अच्छी लाइटिंग कर रखी है। ये देखो यहाँ पर भी है, तो हर जगह लाइटिंग मतलब बहुत अच्छा डेकोर कर रखा है सच में। तो
दोस्तों यहाँ पर हम डिनर करके बैठ चुके हैं। यहाँ पे पहले यहाँ पत्ते खेल रहे थे हम, ठीक है, सबको पत्ते आते हैं और हम कुछ आप अकेले खेल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने मंगाई रसमलाई इस खुशी में, क्योंकि आज वैदिक का बर्थडे है। और देखो यहाँ पे 12 बज चुके हैं, मतलब 12 से थोड़े ज्यादा हो चुके हैं। हाँ, रसमलाई आने में लेट हो गई, लेकिन हमने वैदिक को नहीं उठाया वो इसलिए क्योंकि उसकी मतलब उसको थोड़ा सर्दी जुकाम लग रहा है, तो हमने कहा उठाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। कल हम घर जाएंगे तो घर वालों के साथ सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे। फिलहाल आज हम यहीं पे एंजॉय कर रहे हैं और आज लास्ट दिन है, कल सुबह सुबह निकल जाएंगे हम लोग और होप सो कि दिन में पहुंच ही जाएंगे घर में। हाँ, इजीली पहुंच जाएंगे दिन तक। चलो फिलहाल ये रसमलाई आ रखी है, तो रसमलाई खा लें जल्दी। साथ ही साथ आज का ब्लॉग आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे कल वाले ब्लॉग में, बर्थडे वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।